नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों के 75 खबरों की। बिजनौर में बैंक तगादे से परेशान किसान ने खाया जहर, गंभीर हालत में हायर सेंटर, रेफर किया, 12 साल पहले लिया था, 4.5 लाख का लोन। हिंदू लड़की को भगा ले गया था मुस्लिम युवक, ललितपुर में परिजनों ने युवक की दुकान में लगाई आग, एक दिन बाद थी युवती की शादी। जर्जर बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट का वीडियो वायरल, 20 सेकंड की सरकारी आतिशबाजी, फिर अंधेरे में जर्जर तारों में रोजाना होता है शॉर्ट। महिला आयोग के सदस्य के गनर ने दंपत्ति को पीटा, कार को साइड दिया तो बाइक सवार रुकवा कर धुनवा दिया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर दिया बयान, बोले हम चुनाव नहीं हारते अगर अखिलेश आए होते। कांवड़ यात्रा और बकरीद के लिए सरकार की गाइडलाइंस, योगी बोले झगड़े वाली जगह पर ना हो कुर्बानी, कांवड़िए डीजे का वॉल्यूम कम रखें। लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में मरीजों की मौत, परिजन ने काटा हंगामा, पति के साथ बाइक से पैर दर्द की दवा लेने गया था। दरगाहों पर ना जाएं हिंदू लोग, मौलानाओं के बयान पर भड़के अमेठी, सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज बोले अपने ही धर्म स्थलों पर पूजा करें। मथुरा में फिर आया बाल विवाह का मामला सामने, पुलिस और चाइल्डलाइन संस्था ने रुकवाई नाबालिग बालिकाओं की शादी। हत्या के मामले में भाजपा नेता मिले दोष मुक्त, 2020 में हुई थी हार्डवेयर कारोबारी के बेटे की हत्या, भाजपा नेता विनय समेत 3 हुए थे नामजद। गुंडा में पंचायत सचिव ने धोखाधड़ी कर निकाले 16 लाख, प्रधान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। अज्ञात शवों की शिनाख्त करने में पुलिस फेल, 1 साल में मिले महिला पुरुष सहित 9 शव, खुले में घूम रहे अपराधी। हरदोई में सड़क हादसे में 5 लोग घायल, हाईवे पर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई, मरीजों को लेकर जा रही थी लखनऊ। उन्नाव में बिजली तार टूटने से बाल बाल बचे लोग, बिजली फॉल्ट से नगरवासी परेशान, ग्रामीण इलाकों में बुरा हाल। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने की मीटिंग, अधिकारियों से बोली मथुरा को इंदौर की तरह बनाया जाए साफ और स्वस्थ। मेरठ में फिल्म काली के निर्देशन पर केस दर्ज करने की मांग, सामाजिक संगठन ने पीएम को भेजा पत्र। प्रेमिका के मां बाप को मरवाने वाले सैन्यकर्मी मुंबई में अरेस्ट, कस्टडी में बोला जिस प्यार के लिए इतना सब किया उसी ने धोखा दिया। अंबेडकर नगर में युवक पर दबंगों का कहर, पहले घर चलाया अब दे रही धमकी, पुलिस ने पीड़ित का किया चालान। पीलीभीत में दावत इस्लामी का स्कूल बंद, 250 दुकानों से फंडिंग वाले गुल्लक हटाए गए, कानपुर में लहराए संगठन के झंडे। कानपुर में एक्सीडेंट, 2 की मौत, क्रॉसिंग पार करते समय स्टूडेंट तो पीडब्ल्यूडी कर्मी की करंट से मौत। मिर्जापुर में शांति के लिए पुलिस ने किया मार्च, एसपी ने दुकानदार और बच्चों नागरिकों को से किया संवाद। शामली में महिला थाना अध्यक्ष का तुगलकी फरमान, 8 बजे के बाद नहीं आएगा कोई भी थाने में होमगार्ड के जवान, रात भर देते हैं ड्यूटी। बैन के बाद भी बिक रही प्लास्टिक, नगर निगम की सख्ती, नहीं आ रही काम, 384 किलो माल पकड़ने के बाद भी धंधा जारी। राम जन्मभूमि पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, दिखेगा मंदिर निर्माण के लिए कैसे हुआ संघर्ष और आंदोलन। ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम की किडनैपिंग के बाद हत्या, टीचर के घर में मिला शव। बारह साल के बच्चे का शव फंदे से लटका मिला, शरीर पर गंभीर चोट के निशान, पैर से खून रिश्ता मिला, सौतेली मां पर हत्याकारों। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फटा ट्रांसफार्मर, ब्रह्मपुरी कॉलोनी की बिजली कटी, गर्मी से लोग परेशान। नुपुर शर्मा के समर्थकों को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार, आई सपोर्ट, नुपुर शर्मा लिखने पर कहा था स्टेटस हटाओ नहीं तो हाल का नहीं जैसा होगा। जौनपुर में मरुधर एक्सप्रेस की चेकिंग, बम मिलने की सूचना पर 1 घंटे तक चली तलाशी, संदिग्धों से पूछताछ की।
यूपी में जल्द बनेगा पुरोहित कल्याण बोर्ड। सीएम बोले सभी धर्मों के पुजारियों, पुरोहितों, संतों, मौलवियों को मिलेगा बोर्ड से फायदा। शादी से इनकार पर दिनदहाड़े जज के स्नेटो का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर उठाया। भूमाफिया की 2.10 करोड़ की कोठी जब्त, यशपाल तोमर ने हरिद्वार से नोएडा तक कब्जाई 500 करोड़ से ज्यादा की जमीन। गोंडा में प्रधान प्रतिनिधि की हत्या के बाद तनाव, 26 जून को दिन दहाड़े कर दी गई थी हत्या, अपना दल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड, सुल्तानपुर में 100 बेड और अयोध्या में 50 बेड हॉस्पिटल जल्द शुरू होंगे। श्रावस्ती में बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल, लोगों को बाढ़ से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। बाराबंकी में सीएम पर अभद्र टिप्पणी के बाद एसओ लाइन हाजिर, ऑडियो पहुंचा भाजपा जिला अध्यक्ष के पास, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। चंदौली में चोरों ने इंजीनियरिंग वर्कशॉप को बनाया निशाना, लाखों की मशीन पार्ट और मोटर गायब कर दी। नमोघाट पर लड़की और गार्ड में मारपीट, युवती को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मचाया तमाशा जड़ा, बचाने आए लड़के को भी गाली दी। कॉलेज पर माफिया का कब्जा, सड़क पर लगी क्लास, लखनऊ में 139 साल पुराने सेंटिनियल कॉलेज के बाहर बैठे स्टूडेंट, शिकायत पर युवक की पीट पीट कर हत्या। गोरखपुर में घर वालों ने पुलिस चौकी घेरी, भाई की पिटाई पर नाराजगी जताई। गोंडा के जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ी, 8 डॉक्टरों के ट्रांसफर के बाद कई विभागों में नहीं तैनाती कोई चिकित्सा। सलोन में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा चलाया, रात में सोते समय झोपड़ी में लगाई आग, भागने पर पीट कर दोबारा आग में फेंका, हालत गंभीर। वीआईपी ग्रुप के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने लगाया पौधा, सुरेश खन्ना बोले पति पत्नी का रिश्ता बहुत जज्बाती, दोनों एक दूसरे के नाम पर लगाए पौधे। नदी में डूबा किशोर, परिजन कानपुर हाईवे किया जाम, उत्कर्ष हत्या के आरोप में 30 मिनट में 5 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, शाहबाद से लौट रहे थे घर। जालौन में स्कूल बस से टकराई रोडवेज, 12 यात्री घायल, ब्रेक फेल होने पर हुआ हादसा, बस पहले थी खराब। कन्नौज में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक, पड़ोसियों से हुआ था विवाद, पुलिस को डर से फांसी लगाने की आशंका। उन्नाव में पुलिस ने तैयार किया मास्टर प्लान, बकरी ईद कावड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश, एसपी बोले संवेदनशील इलाकों पर रहेगी नजर। अलीगढ़ में महिला अस्पताल हुआ हाईटेक, चोरी की घटनाओं में लगाम लगाने के लिए लगी तीसरी। बहराइच में बाढ़ से बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल का अभ्यास, एनडीआरएफ की ओर से किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा पंचायत पर पहुंचे जयंत चौधरी, कहा आर्मी के साथ सरकार का खिलवाड़ देश को बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में नगर निगम के खिलाफ फूटा पार्षदों का गुस्सा, मांग न पूरी होने पर पलायन की धमकी। देवरिया में ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे का अपहरण, शिक्षक के घर में मिला छात्र का शव, शिक्षक ही निकला छात्र का आरोपी। गाजीपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में मामले में आरपीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 2 को किया गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अजय यादव को किया गिरफ्तार। गोंडा में अधिकारियों की मिली भगत से सड़क के निर्माण में खेला गया बड़ा खेल, घटिया सड़क के निर्माण को लेकर गांव में लोगों ने जांच की मांग की। कानपुर में खून तस्करी के मामले में शुरू हुई जांच, निजी ब्लड बैंक का रिकॉर्ड तलब, दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा। कौशाम्बी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश, कहा विकास कार्यों में कोई गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। प्रतापगढ़ में एमसीए बीएसए ने 9 शिक्षकों को किया बर्खास्त, फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रहे थे नौकरी। संभल में कक्षा 5 की छात्रा की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने प्रधान पर लगाया हत्या का आरोप। सोनभद्र में डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश में हुआ पालन, पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। योगी के कहने पर अपराधियों पर नकेल कसना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अलीगढ़ में सरयाम बाजार में दो गुटों के बीच हुई फायरिंग, पथराव। फायरिंग से दुकानदारों में हड़कंप, बाजार में दहशत फैली। अमेठी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। इलाज के अभाव में घंटों तड़पती रही पीड़ित महिला, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नदारद। देवरिया के बनकटा पुलिस को मिली सफलता, 1 लाख अवैध शराब के साथ अभियुक्त किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी की सेवाधाम चौकी पर भीड़ ने किया पथराव, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गोंडा में नहीं थम रहा सरकारी अस्पताल की लापरवाही का मामला, दवा में हेरफेर से लेकर मरीजों के इलाज तक खिलवाड़ चल रहा। हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण हादसा, हादसे में 4 सुरक्षाकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। गुना में बाढ़ के कहर से बचने के लिए डीएम ने बाढ़ की तैयारियों के संबंध में मॉक ड्रिल किया। डीएम के साथ साथ एसडीएम और पुलिस के आला कमान भी रहे मौजूद। कानपुर में स्कूल वैन में लगी भीषण आग, स्कूल वैन में नहीं बैठे थे बच्चे, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर ऑपरेशन करते डॉक्टर का वीडियो वायरल, ऑपरेशन के दौरान हुई थी मरीज की मौत। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जिलाधिकारी लखनऊ ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्र में गंदगी को देख डीएम ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, टेढ़ी नदी पर नहाने के दौरान हुआ हादसा, शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। फरुखाबाद कोर्ट का आदेश, कुर्क होटल खोलकर नियुक्त करे रिसीवर, 27 जून को कुर्क हुआ था बसपा नेता का होटल। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।